अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक पाकिस्तान अफेयर सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892 को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 को डिस्कस कर चुके हैं। अब पहले भी ये बात हो चुकी है कि एक्ट्स एक्चुअली है क्या। तो एक्ट्स जिस तरह से अब पाकिस्तान को एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रन किया जा रहा है, इसी तरह ब्रिटिश उस टाइम पे सब कॉन्टिनेंट को इन एक्ट्स के अंडर रन कर रहे थे। इन एक्ट्स में वो लिखा हुआ था, सब वो मेंशन था कि किस तरह से गवर्नमेंट को रन किया जाएगा सब कॉन्टिनेंट में। तो इस एक्ट को मोंटेगो कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। किसी भी हिस्ट्री के टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए उसके बैकग्राउंड को स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बैकग्राउंड में उस टाइम पे क्या चल रहा था कि फिर जिसकी वजह से नेक्स्ट चेंज आया या नेक्स्ट इवेंट हुआ उस टाइम पे हिस्ट्री में। तो वर्ल्ड वार वन स्टार्ट हुई थी 1914 में और एंड हुई थी 1918 में। ये टाइम सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इस टाइम पे इंडियंस ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया ब्रिटिश को वार एफर्ट्स में, वार फ्रंट्स पे जाके अपने सोल्जर्स के थ्रू उनके लिए लड़े और बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया ब्रिटिश को। क्यों सपोर्ट किया? क्योंकि उनका ख्याल था कि ये वार एंड हो जाएगी तो ब्रिटिशर्स जो हैं वो हमारी डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लेंगे और इनको मान लेंगे और हमारी डिमांड्स के साथ अग्री हो जाएंगे। तो जैसे लास्ट लेक्चर में ही हमने लखनऊ पैक्ट को डिस्कस किया था और कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिल के 1916 में, 1914 में वार स्टार्ट हुई एंड 1916 में डिमांड्स डिसाइड कर ली थी कि वो ब्रिटिशर्स के आगे अपनी कौन सी डिमांड्स रखेंगे जो ब्रिटिशर्स को एक्सेप्ट करनी चाहिए। डिमांड्स वर डिसाइडेड इन लखनऊ पैक्ट इन 1916 बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। सो ये था बैकग्राउंड उस टाइम पे। तो फिर 1917 में, जब अभी वार एंड नहीं हुई थी, उससे पहले 1917 में एक मोंटेगो जो उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के, उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने एक डिक्लेरेशन दिया, उसको अगस्त और मोंटेगो डिक्लेरेशन भी कहा जाता है और ये 1917 में दिया गया। ये एवन मोंटेगो तो चाहते थे कि इंडिया के अंदर सेल्फ गवर्नमेंट को हम और ज़्यादा डेवलप करें और ज़्यादा मजबूत करें, लेकिन लॉर्ड कैम्सफोर्ड जो कि उस टाइम पे वायसराय थे इंडिया के, वो ये चाहते थे कि वो इंडियंस की पार्टिसिपेशन पे वर्क करें इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि एक्ट्स हमेशा हमने लास्ट भी स्टडी किए, तो उन सब में यही डिमांड थी नेटिव इंडियंस की कि हमें गवर्नमेंट के कामों में पार्टिसिपेशन करने दी जाए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनरोल किया जाए गवर्नमेंट के अंदर, लेजिस्लेटिव असेंबली में, एग्जीक्यूटिव में, नॉमिनेटेड मेंबर्स में, ऑफिशियल मेंबर्स में, सब में हमें पार्टिसिपेशन करने दी जाए। तो लेकिन उस वक़्त पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, जैसे पहले भी वीडियोज़ में आपको बताया कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया कैबिनेट मिनिस्टर थे ब्रिटिशर्स के, जो ब्रिटिश में मौजूद थे उस वक़्त, और जो वायसराय होता था वो ब्रिटिश के अंडर काम करता था इंडिया में रह के। तो लॉर्ड कैम्सफोर्ड वाज द वायसराय ऑफ इंडिया, वो इंडिया में रह के इंडिया की कंडीशंस को जानते थे, वो चाहते थे कि इंडियंस को सेल्फ गवर्नमेंट भी करने दी जाए उनको, लेकिन साथ साथ उनको गवर्नमेंट के एवरी एस्पेक्ट में, अब एस्पेक्ट मीन एग्जीक्यूटिव में, उनको लेजिस्लेशन में, हर तरह से उनको पार्टिसिपेशन करने दी जाए। तो कैम्सफोर्ड्स के आइडियाज़ को भी एक्सेप्ट कर लिया कैबिनेट ने और मोंटेगो उसका भी प्लान अप्रूव कर दिया। मिन मोंटेगो का ये ख्याल था कि सेल्फ गवर्नमेंट को इम्प्रूव किया जाए, डेवलप किया जाए, और कैम्सफोर्ड का ख्याल था कि गवर्नमेंट के अंदर पार्टिसिपेशन करवाई जाए नेटिव इंडियंस की। तो कैबिनेट ने दोनों के आइडियाज़ को एक्सेप्ट कर लिया। डैट इज़ वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, आल्सो नोन एज मोंटेगो कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। तो ये क्योंकि 1909 के अंदर ही चेंजिंग्स की गई थी नेक्स्ट, तो इस एक्ट को समझने के लिए 1909 के एक्ट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को मोंटेगो कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। मोंटेगो वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एंड कैम्सफोर्ड वाज दी वायसराय ऑफ इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटिश में रहता था एंड ही वॉज कैबिनेट मिनिस्टर, और वायसराय वॉज इन इंडिया एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो मेन काम किए गए,
फर्स्ट ये था कि इंट्रोड्यूस करवाया गया फर्स्ट टाइम इंडिया में पब्लिक सर्विस कमीशन, कि ब्यूरोक्रेट्स इंडिया से भी सिलेक्ट किए जाएंगे जी। इन 1919 में ये किया गया। नेक्स्ट डायार्की इंट्रोड्यूस करवाई गई। अब डायार्की क्या है, इसे डुअल गवर्नमेंट कहते हैं। हम नेक्स्ट वन बाय वन सब स्टेप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड फर्स्ट टाइम इंडियन काउंसिल एक्ट में वेमेन को राइट दिया गया वोट का, कुछ वेमेंस को, इनकम की बेस पर सारी वेमेंस को राइट नहीं दिया गया था वोट का। और हाई कमिश्नर ऑफिस फॉर इंडिया इन लंदन कायम किया गया, जैसे हमने लखनऊ पैक्ट में डिस्कस किया था कि मुस्लिम्स और हिंदूज मींस नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की ये डिमांड थी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया ब्रिटिश में रहता है तो उसे इंडियन फंड से सैलरी नहीं दी जाएगी। तो ब्रिटिश ने ये डिमांड मानने के लिए ये कहा कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी तो इंडिया के ही काम करता है, लेकिन ये किया गया कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अफेयर्स को अलग कर दिया गया और उसके कुछ अफेयर्स को शामिल किया गया। हाई कमिश्नर ऑफिस एक कायम कर दिया गया लंदन में और ये कहा गया कि ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सैलरी ब्रिटिश देंगे और हाई कमिश्नर ऑफिस जो इंडिया लंदन में कायम किया गया इंडिया के लिए, उसकी सैलरी इंडियन फंड से ही जाएगी। तो ये एक तरह से लखनऊ पैक्ट की डिमांड ही थी जिसको एक्सेप्ट किया गया। नेक्स्ट था रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स की लिस्ट अलग कर दी गई। अब इसमें क्या किया गया, ये भी एक्चुअली डायार्की से ही वर्ड ये रिलेटेड है कि किस तरह से प्रोविंसेस की गवर्नमेंट के सब्जेक्ट्स को, कुछ सब्जेक्ट्स को शामिल कर दिया गया। ब्रिटिश के गवर्नर के लिए कुछ सब्जेक्ट्स रख दिए गए और कुछ सब्जेक्ट्स को नेटिव इंडियंस के लिए छोड़ दिया गया कि उन पर लेजिस्लेशन या जो भी एक्शन लेना होगा वो नेटिव इंडियंस लेंगे। और सिक्स जो काम इंपॉर्टेंट काम हुआ इस एक्ट में, वो ये किया गया कि पार्टिसिपेशन इंडियंस की ज़्यादा कर दी गई गवर्नमेंट के कामों में। जैसे हमने देखा कि इस एक्ट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमने ये स्टडी किया कि इस एक्ट का मकसद ही यही था कि पार्टिसिपेशन इंडियंस की गवर्नमेंट में ज़्यादा की जाए ताकि रिजेंटमेंट जो है वो कम होती जाए नेटिव इंडियंस के अंदर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ये तो हो गया क्या चेंजिंग्स की गई मोंटेगो कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में। अब हम वन बाय वन इन सारी की प्रोविजंस को डिटेल वाइज देखेंगे। फर्स्ट टाइम किसी भी एक्ट में जो सब कॉन्टिनेंट में इंट्रोड्यूस करवाया गया उसके अंदर प्रीएम्बल था और उस प्रीएम्बल में मेंशन था कि इंडिया में नेटिव इंडियंस की गवर्नमेंट को, सेल्फ गवर्नमेंट को मजबूत किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रीएम्बल में। नेक्स्ट जो हमने देखा कि डायार्की इंट्रोड्यूस करवाई गई। डायार्की सेंट्रल लेवल पे इंट्रोड्यूस नहीं करवाई गई, जैसे हम देखते हैं कि अभी हमारे कंट्री में भी प्रोविंशियल लेवल गवर्नमेंट है और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट है। तो डायार्की जो इंट्रोड्यूस करवाई गई वो प्रोविंशियल लेवल पे करवाई गई, मींस अ डबल सेट ऑफ गवर्नमेंट सेट किया गया। अब उस डबल गवर्नमेंट में क्या था, प्रोविंसेस के ऊपर कंट्रोल को रिलैक्स कर दिया गया बाय सेपरेटिंग लेजिस्लेटिव लिस्ट। किस तरह से लेजिस्लेटिव लिस्ट को सेपरेट कर दिया गया कि एक सेंट्रल लिस्ट बना दी गई और प्रोविंशियल लिस्ट बना दी गई। जैसे अब भी हमारे तीन कॉन्स्टिट्यूशन गुजरे हैं तो उन सब कॉन्स्टिट्यूशन में जिस पे फेडरल ने लेजिस्लेशन करनी है वो सेंट्रल लिस्ट है और उसमें सेंट्रल लिस्ट में फेडरल के सब्जेक्ट्स मेंशन है। जैसे फाइनेंस को, फॉरेन पॉलिसी को हमेशा सेंटर ही डील करता है, वो प्रोविंस का सब्जेक्ट नहीं है। तो उस टाइम पे भी इसी तरह सेंट्रल लिस्ट को अलग कर दिया गया और प्रोविंशियल लिस्ट को अलग कर दिया गया ताकि सेंटर का मैक्सिमम जो पार है, जो कंट्रोल है, वो प्रोविंस पे कम से कम हो सके। तो ये इस तरह से डायार्की इंट्रोड्यूस करवाई गई। अब नेक्स्ट प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को किस तरह से ट्रांसफर और दूसरे रिजर्व सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया गया वो हम नेक्स्ट देखते हैं। अभी डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स किस तरह से की गई प्रोविंशियल की। प्रोविंशियल के जो सब्जेक्ट्स थे उनको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट्स। रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स को कह दिया गया कि इन पर जो लेजिस्लेशन है वो ब्रिटिश गवर्नर करेगा। जो तमाम प्रोविंसेस का अलग अलग से गवर्नर है वो ब्रिटिश गवर्नर लेजिस्लेशन करेगा रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स पर। और ये कहा गया कि ट्रांसफर सब्जेक्ट्स पर लेजिस्लेशन करेंगे इंडियन मिनिस्टर, मींस नेटिव इंडियन मिनिस्टर में से जो भी मिनिस्टर होगा, हेड होगा, वो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स पर लेजिस्लेशन करेगा। और रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स को एक्ट के अंदर क्लियरली मेंशन कर दिया गया कि कौन से सब्जेक्ट्स रिजर्व होंगे और कौन से ट्रांसफर सब्जेक्ट्स होंगे। रिजर्व सब्जेक्ट्स में जस्टिस
एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेस, वाटर पे कोई भी लेजिस्लेशन करनी, एग्रीकल्चर पे डिस्प्यूट सेटलमेंट करनी है, पुलिस, रेवेन्यू, लेबर और प्रिजन, इन सब, ये सब रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं और इन पर लेजिस्लेशन ब्रिटिश गवर्नर करेगा और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सैनिटेशन, इंडस्ट्रियल रिसर्च, पब्लिक वर्क्स और न्यू कंपनीज की इस्टेब्लिशमेंट के लिए जितनी भी लेजिस्लेशन करनी होगी वो तमाम ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स के अंडर आएंगे और ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स पर लेजिस्लेशन ब्रिटिश गवर्नर नहीं बल्कि इंडियन मिनिस्टर करेगा। तो ये थी डायार्की। इस तरह से डायार्की इंट्रोड्यूस करवाई गई 1919 के एक्ट में कि प्रोविंस को कंट्रोल दे दिया गया। काफ़ी हद तक प्रोविंस को तो दिया गया कंट्रोल, जो पहले एक्ट्स में नहीं था, कि प्रोविंस की लेजिस्लेशन भी मोस्टली सेंटर ही कर रहा था। साथ में ये किया गया कि नेटिव इंडियंस को भी कंट्रोल दे दिया गया ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स की फॉर्म में। तो नेक्स्ट थी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सटेंड कर दिया गया। अब कम्युनल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये हमने लखनऊ पैक्ट में डिस्कस किया था कि एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को, जिस तरह से कम्युनल वीटो जैसे हमने देखा था कि एक स्पेसिफिक कम्युनिटी अगर नहीं चाहती किसी चीज़ पर लेजिस्लेशन करना, तो जब तक वो कम्युनिटी अग्री नहीं होगी 3-4 की रेशो से, तो तब तक वो लेजिस्लेशन उस पर नहीं की जा सकती। तो इस तरह सिख जैसे मुस्लिम्स को तो रिप्रेजेंटेशन पहले ही थी, मिली हुई थी वहाँ पर, तो सिखों को और ब्राह्मण्स वगैरह को, सिख्स को, एंग्लो इंडियंस वगैरह को भी रिप्रेजेंटेशन दे दी गई कि वो इलेक्शन में कैंडिडेट अपना खड़ा कर सकते हैं। उसके अलावा राइट ऑफ वोट दे दिया गया, लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को दिया गया, लेकिन दे दिया गया राइट ऑफ वोट। काफ़ी हद तक अब वो बेस्ड था इनकम बेस और लैंड बेस्ड, इसी बेस पे दिया गया राइट ऑफ वोट। फिर भी पिछले एक्ट्स की नस्बत काफ़ी हद तक चेंजिंग्स आ गई। जो कुछ और रिफॉर्म्स की गई वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमने पीछे ही डिस्कस किया, पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके अंडर जैसे CSS का एग्ज़ाम है या PMS का एग्ज़ाम है या UPSC एग्ज़ाम इंडिया में होता है, तो पब्लिक सर्विस कमीशन जिसके ज़रिए फेडरल या फिर हमारा प्रोविंस रिक्रूट करता है ब्यूरोक्रेट्स को, तो वो पब्लिक सर्विस कमीशन फर्स्ट टाइम 1919 के एक्ट में इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाया गया। नेटिव इंडियंस को एग्जीक्यूटिव में भी सीट दे दी गई। अब अगर 8 मेंबर्स थे एग्जीक्यूटिव में, तो उनमें से 3 नेटिव इंडियंस होंगे, ये मस्ट कर दिया गया 1919 के एक्ट में। और हाई कमिश्नर फॉर इंडिया जो है उसको बना दिया गया कहाँ पर, लंदन में। अब ये किस परस्पेक्टिव में बनाया गया, जिसको हमने पीछे भी डिस्कस किया कि जैसे लखनऊ पैक्ट में डिमांड थी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया की जो सैलरी है वो इंडियन फंड से नहीं जाएगी, तो इसी चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए ब्रिटिशर्स ने हाई कमिश्नर फॉर इंडिया कायम कर दिया लंदन में, कि अब इसकी सैलरी इंडियन फंड से जाएगी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सैलरी इंडियन फंड से नहीं दी जाएगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स जो इंट्रोड्यूस करवाई गई 1919 के एक्ट में, वो ये था कि बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस करवाया गया सेंटर में, सिर्फ सेंटर, जस्ट सेंट्रल लेजिस्लेचर में बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस कराया गया। बाइकैमरलिज्म मींस एक लोअर हाउस होगा और एक अपर हाउस होगा, जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान के सेंटर में भी है। लोअर हाउस में ये कहा गया कि 145 मेंबर्स होंगे और उनकी टर्म 3 इयर्स के लिए होगी। अपर हाउस में कहा गया कि 60 मेंबर्स होंगे और उनकी टर्म 5 इयर्स के लिए होगी। अपर हाउस को काउंसिल ऑफ स्टेट्स का नाम दिया गया और लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली का नाम दिया गया। अब हम देखेंगे कि लोअर हाउस और अपर हाउस की कंपोजिशन क्या थी। लोअर हाउस में मेंबर्स की तादाद को बढ़ाकर 145 कर दिया गया और अपर हाउस में मेंबर्स की तादाद 60 मेंबर्स रखी गई। 45 नॉमिनेटेड मेंबर्स थे, जबकि अपर हाउस में 26 नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे कहा गया, और कहा गया कि 104 इलेक्टेड मेंबर्स होंगे 145 में से लोअर हाउस में, और 60 मेंबर्स ऑफ अपर हाउसेज में से 26 विल बी नॉमिनेटेड एंड 34 विल बी इलेक्टेड मेंबर्स। अब इस लोअर हाउस में कहा गया कि 30 मुस्लिम्स होंगे इन मेंबर्स में से, और इन मेंबर्स में से 60 मेंबर्स में से 10 जो मेंबर्स हैं वो कौन होंगे, मुस्लिम्स होंगे। तो ये थी चेंजिंग्स जो की गई सेंट्रल लेजिस्लेचर में। और चेंजिंग्स जो की गई लेजिस्लेटर में वो थी कि अब लेजिस्लेटर्स क्वेश्चंस कर सकते हैं, मोशंस भी पास कर सकते हैं और बजट पे भी कर सकते हैं। ये 19 के एक्ट में कहा गया कि लेजिस्लेटर वॉइस रॉय के एसन के बगैर कोई भी बिल पास नहीं कर सकता, लेकिन वॉइस रॉय के पास पार है कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली के बगैर ही, उनके एसन के बगैर भी किसी भी बिल को, किसी भी लॉ को इनेक्ट कर सकता है। तो ये थी लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स जो 1919 के एक्ट में की गई नेटिव इंडियंस के लिए। अब हम देखेंगे कि इस एक्ट की क्या सिग्निफिकेंस थी और क्या डिफेक्ट्स थे इस एक्ट में। ओके, सिग्निफिकेंस तो ये थी कि फर्स्ट टाइम सेल्फ गवर्नमेंट प्रोविंसेस में की गई, जैसे हमने देखा कि डायार्की को इंट्रोड्यूस करवाया गया और नेटिव इंडियंस को बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स की फॉर्म में।
उसके अलावा ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन की जा रही थी नेटिव इंडियंस की इन आल इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट. जैसे 1892 के एक्ट में एग्जेक्टिव में कोई सीट नहीं थी इंडियंस के पास. फिर 1909 के एक्ट में कुछ सीट, एक सीट दी गई एग्जेक्टिव में. और अब 1919 के एक्ट में एग्जेक्टिव में 3 सीट्स थी नेटिव इंडियंस के पास. और लेजिस्लेटिव असेंबली में तो बहुत ज़्यादा तादाद हो गई थी नेटिव इंडियंस की. उसके अलावा इलेक्ट होकर भी मेम्बर्स आ रहे थे. तो राइट ऑफ वोट दिया गया, जैसे हमने पीछे ही देखा कि तमाम लोगों के पास तो राइट ऑफ वोट नहीं था, लेकिन इनकम और लैंड के हिसाब से कुछ लोगों को राइट दिया गया वोटिंग का. और फर्स्ट टाइम इन सब कॉन्टिनेंट वेमेन को भी राइट दिया गया वोटिंग का. तमाम वेमेन को नहीं, उनकी इनकम की बेस पे कुछ वेमेन्स को, जो वर्किंग वेमेन थी उनको राइट दिया गया वोटिंग का. तो इसी वजह से इलेक्शन एरिया एक्सपेंड हो गया इंडिया में बहुत ज़्यादा. तो ये थी सिग्निफिकेंस 1919 के एक्ट में. अब हम डिस्कस करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ एक्ट ऑफ 1919. पॉलिटिकल सर्कल ने ये डिक्लेयर कर दिया इंडिया में, जितने भी पॉलिटिकल सर्कल थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गई, मुस्लिम लीग हो गई, उन सब ने इन रिफॉर्म्स को इनएडिक्वेट और अनसेटिस्फैक्ट्री कहा. कि जहाँ कांग्रेस तो टू फैक्शंस, टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई. एक ग्रुप फेवर में था इन रिफॉर्म्स के, कि हाँ ये बहुत अच्छी है, नेक्स्ट हमें इससे भी ज़्यादा मिल सकता है. और एक ग्रुप ये कह रहा था कि ये ना हो, हम इस पर सेटिस्फाई हो जाएं तो नेक्स्ट हमें कुछ भी और ना दिया जाए. तो उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया. मुस्लिम लीग वाज नॉट इन फेवर ऑफ दीज रिफॉर्म्स. मुस्लिम लीग को भी कुछ खास पसंद नहीं आई ये रिफॉर्म्स, बिकॉज मुस्लिम्स का बहुत ज़्यादा कम शेयर था, जैसे हमने देखा लेजिस्लेटिव असेंबली और अपर हाउस और लोअर हाउस में. एज दे डिडंट कंटेन एनी कंक्रीट सजेशन फॉर सेल्फ रूल. मुस्लिम लीग का तो एक ही था कि सेल्फ रूल की परमिशन दी जाए, सेल्फ रूल करने दिया जाए इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नेटिव्स को. तो मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट कर दिया इसको. दस दे फेल टू सेटिस्फाई द पीपल ऑफ इंडिया. तो ये एक्ट, ये रिफॉर्म्स मुस्लिम्स ऑफ इंडिया को और हिंदूज ऑफ इंडिया या नेटिव इंडियंस को, तमाम इंडियंस को सेटिस्फाई नहीं कर सकी. सो ये एक्ट भी रिजेक्ट हो गया. पाकिस्तान अफेयर्स की सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.